वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन अपने आप टच होने लग जाता है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ही ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के साथ डेटा ये आपका जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट, ठीक है। तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, अपना फोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपका मोबाइल फोन ऑटो टच कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।